दो साल पहले बेहद कम लोग दिल्ली में जन्मे मोहित अहलावत के नाम से वाकिफ थे। T20 में ट्रिपल सेंचुरी लगाते ही क्रिकेट जगत में इस उभरते युवा बल्लेबाज की चर्चा जोरों पर है। दिल्ली के ललिता पार्क में हुए मैच में मोहित ने 72 गेंदों में 14 चौके और 39 छक्के लगाकर 300 रनों की पारी खेल क्रिकेट प्रेमियों को अपना दीवाना बना दिया है। अब एक बार फिर मोहित पर सबकी नजरें हैं। उनके IPL के अगले सीजन में खेलने की संभावना जताई जा रही है। मोहित भी IPL में अपने बल्ले का जादू बिखेरने के लिए उतावले हैं। बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले मोहित के पिता टेम्पो चलाते हैं। अहलावत दिल्ली की लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में प्रैक्टिस करते हैं। गौतम गंभीर भी यहीं प्रैक्टिस करते आए हैं। गंभीर ने ही मोहित की बल्लेबाजी से प्रभावित होकर उन्हें दिल्ली की टीम के लिए खेलने का मौका दिया था, लेकिन 3 मैचों में खराब प्रदर्शन के बाद मोहित की जगह ऋषभ पंत को टीम में चुना गया। मोहित का कहना है, मुझे उम्मीद है गौतम भैया फिर से मुझ पर भरोसा जताएंगे। IPL पर नजर रखे हुए मोहित का कहना है, मैंने IPL की नीलामी के लिए अपना नाम भेज दिया है। मुझे नहीं पता मेरी पारी IPL टीम के मालिकों का ध्यान आकर्षित करेगी या नहीं, लेकिन मैं IPL में अपना हुनर दिखाने के इंतजार में बैठा हूँ। उन्होंने कहा, रणजी के पहले सिलेक्शन में मैं कुछ खास नहीं कर पाया था, अब कमियों को दूर करके फिर से मौका चाहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।